तो गाइस आज हमारे पास है पूरे 50 किलो टमाटर और आज इन टमाटरों से हम बनाने वाले हैं बहुत सारा टोमेटो केचप। लेकिन क्या आपको पता है टोमेटो केचप सबसे पहले किसने बनाया था और ये बनता कैसे है और आखिरकार हमारा जो ये 50 किलो टमाटर है इसके अंदर से हमें कितना ज्यादा केचप मिलेगा। तो गाइस जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये टमाटर्स को हमारे त्रिपाल के ऊपर ढाल देंगे। चलो भाई गाइस ये बहुत सारा है, ये देखो लाल लाल टमाटर। तो गाइस सबसे पहले हम टमाटर्स को एक एक करके काट लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए चार टुकड़ों में। तो गाइस मैं आपको बता दूं एक अमेरिकन आदमी था जिसका नाम था जेम्स मैस, उन्होंने ही सन 1812 में हमारा जो टोमेटो केचप का रेसिपी बनाया था। ठीक है तो अभी इनका ये काम हमारा जारी रहेगा, अभी बहुत सारा टमाटर काटना बाकी है तो बाकी टीम मेंबर्स को मैं बुला लेता हूँ। आ जाओ तुम लोग। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो कि इतना सारा टमाटर कट चुका है तो अभी इन टमाटर्स को अभी मैक्सी में डालकर उनको पूरी तरीके से पीस देंगे। ठीक है तो उसके बाद हम लोग जो कि है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं काम को। तो गाइस अब हमारा मैक्सी यहाँ पर तैयार है तो यहाँ पर हमारा जो टमाटर्स है इसके अंदर हम डालेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे और पीसने के बाद हम इसको सीधा इस बड़े से कढ़ाई पर इसको डाल देंगे। ठीक है और उसके बाद हम बनाएंगे इसका केचप। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। ठीक है तो चलिए इस काम को हम अभी टाइम लैप्स में करते हैं क्योंकि अभी बहुत देर होने वाला है। चलो टाइम लैप्स चलाओ। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो हमारा जो ये केचप है इसको छानने के बाद हमारा फाइनल केचप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना सारा तैयार हुआ है। अभी बहुत सारा केचप तैयार करना बाकी है तो भाई दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी और भी ज़्यादा जल्दी हमारा काम करना पड़ेगा। तो गाइस अभी देख सकते हो इतना सारा अभी टोमेटोज बाकी है। तो गाइस आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है इसीलिए हमारा काम बहुत ही ज्यादा रुक गया है और स्लो हो गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा टमाटर है यहाँ पर रखा है छोटे से गोदाम में, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो टमाटर का सॉस है वो यहाँ पर अच्छे से हमने ढक दिया है। ठीक है ताकि कोई पानी वगैरह या फिर कोई डस्ट वगैरह उसके अंदर ना जाए। तो गाइस कल बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी इसीलिए हम वीडियो को पूरा नहीं कर पाए लेकिन गाइस आज है डे टू और आज हम इस वीडियो को अंजाम देंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर है हमारा पूरे 50 किलो ग्राइंड किया हुआ टमाटर। तो गाइस अभी इसको उबालने की बारी है। चलो अभिजीत भाई आ जाओ। लो जलाते हैं। हाँ जलाते हैं, इसके लिए इसको उठाना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत भारी है गाइस। चलो यहाँ पर हमारा गैस चूल्हा जल चुका है और इसको अच्छे से उठा लेते हैं। ठीक है तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हवा बह रहा है इसलिए यहाँ पर गैस चूल्हे को जलाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसलिए हम इस चूल्हे को और इस हमारे जो सामान है इसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पर सेफ्टी हो। ठीक है तो चलिए फटाफट से इस काम को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी जो कि हम लोग एक सेफ्टी लोकेशन में आ चुके हैं जहाँ पर कोई भी हवा हवा नहीं बह रहा है। ठीक है तो गाइस अब हमें इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना है तो सबसे पहले हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार शुगर। ठीक है इसके बाद डालेंगे हम नमक और इसके बाद डालेंगे विनेगर और गाइस आखिर में बचा है हमारा मिर्च, इसको भी थोड़ा बहुत डाल देंगे। तो गाइस अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा ठीक है जब तक हमारा ये
टोमेटो केचप बनके तैयार नहीं हो जाता। तो गाइस इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग तो वेट करेंगे ही और आप भी हमारे साथ वेट कीजिए। MD JPB, it's only right baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stubborn, that's a fact yo, and if you think I'm running, you can run it back. तो गाइस चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो सॉस है वो अभी तक तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉस ले लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करूंगा, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारे सॉस से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा सॉस है ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी तक टाइम लेगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं इस सिंगल कढ़ाई का वजन मापूंगा। यहाँ पर है हमारा वजन मापने का मशीन, तो चलिए इसको रखते हैं। और इसका वजन हुआ है यहाँ पर 4 किलो 180 ग्राम, ठीक है। तो गाइस आखिर में जो सवाल था उसका जवाब आप आपको मिलने वाला है, ठीक है। आखिरकार 50 किलो टमाटर से हम कितने सारे टोमेटो केचप बना सकते हैं। तो गाइस आइए यहाँ पर इसको वजन करते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा केचप बन के तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा मतलब अमेजिंग लग रहा है, और ये खाने में कितना ज्यादा अमेजिंग लगेगा वो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। 16 किलो 920 ग्राम। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर केचप निकला है 16 किलो 920 ग्राम माइनस 4 किलो 180 ग्राम, जितना कैलकुलेशन करके निकलता है उतना हमारा केचप बना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हम लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।